मैं राकेश, टीम फोर्टीन कैपिटल से। आज की टॉपिक है म्यूचुअल फंड, और उसमें भी मैं आपको बेस्ट टू म्यूचुअल फंड्स, लास्ट गैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। जनरली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप टीवी देखकर, एंटरटेनमेंट देखकर, या न्यूज़पेपर में, या किसी फ्रेंड से पूछकर, कोई भी मीडियम के थ्रू आपको नॉलेज मिलता है और आप उस पर उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो। बट क्या वो इन्वेस्टमेंट सही है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स आपको जानना चाहिए। वो पैरामीटर्स क्या हैं, मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताऊंगा, और हो सकता है पैरामीटर्स आपको अच्छा भी लगे, सो डैट कि आप फ्यूचर में जब इन्वेस्ट करें तो उस इन पैरामीटर्स को जरूर ध्यान रखें। चलिए हम लोग पैरामीटर्स देखते हैं क्या होने चाहिए। सो नंबर वन पे आता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सेकेंड नंबर पे आता है आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। थर्ड नंबर पे आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड द फोर्थ नंबर पे आता है आपका एज ऑफ द फंड। एंड द फिफ्थ नंबर पे आता है आपका एक्सपेंस रेशियो। सिक्स नंबर पे आता है आपका शार्प रेशियो। और इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हो, जैसे आपका फंड, उसका फंड मैनेजर कौन है, फिर आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है उस फंड का, कैटेगरी ऑफ फंड क्या है। सो इन सब बातों को आप ध्यान रख सकते हो। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ इक्विटी फंड क्लासिफिकेशन हैं, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। सो पहला नंबर आता है लार्ज कैप फंड्स, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मिड कैप फंड। थर्ड आता है आपका स्मॉल कैप। और फोर्थ नंबर पे आता है मल्टी कैप। सो हम इन चारों फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आज लार्ज कैप के दो फंड्स के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लार्ज कैप का बता रहा हूँ। पहला है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एंड दूसरा है आपका एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड। सो कैनरा एंड एक्सिस में दोनों का मैं आपको थोड़ी सी आपको डिटेल्स देता हूँ। जैसे आपका AUM कैनरा का है 2,476 करोड़ का, और आपका एक्सिस का है 25,183 करोड़ का। इसका NAV जो कैनरा का अभी चल रहा है वो 41 के राउंड में चल रहा है, और आपका एक्सिस का चल रहा है 45 के राउंड। हम लोग बेसिक कंपेरिजन दोनों फंड का करते हैं। लॉन्च डेट है जो कैनरा रोबेको का है, इसका है अगस्त 2010, और एक्सिस ब्लू चिप का जनवरी 2010। मतलब मोर ओवर दोनों फंड का 11 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, और स्कीम दोनों ओपन एंडेड है। लमसम इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 5,000 दोनों में है, और मिनिमम SIP 500 का कर सकते हैं। सिविल की रेटिंग कैनरा रोबेको का 5 स्टार है और एक्सिस का 4 स्टार है। इक्विटी होल्डिंग है 96.204% और आपका एक्सिस में है 98.44%। एंट्री लोड नील है दोनों में। एग्जिट लोड 1% है दोनों में, अगर आप विद इन ए ईयर आप इसको विड्रॉ करते हैं फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.45 है आपका कैनरा रोबेको में, एंड 0.50 है आपका एक्सिस में। तो अगर आप देख सकते हैं, जनरली जो आपका लार्ज कैप का है, इनका जो रेशियो होता है ये 1 to 1.5 के लेवल में होता है। तो उस कंपेरिजन में आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। एंड द CAGR जो इनका सिंस इंसेप्शन क्या आ रहा है, 15.47% कैनरा रोबेको का आ रहा है और 12.47% एक्सिस ब्लू चिप का आ रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि CAGR भी दोनों का CAGR काफी अच्छा है, और अदर जो कंपेरिजन है अगर एक्सपेंस रेशियो में देखता हूं तो इस कैटेगरी में दोनों का बहुत ही कम है। चलिए अब हम लोग रिस्क मेजर की बात करते हैं दोनों फंड का, कैनरा रोबेको एंड एक्सिस ब्लू चिप का। तो अगर आप लास्ट के कैटेगरी में देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू -0.15 है, उसी कंपेरिजन में कैनरा रोबेको का 4.33 है और एक्सिस ब्लू चिप का 2.03 है। तो ये अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है, अल्फा इंडिकेट्स हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न्स कंपेयर टू ए बेंचमार्क। तो अल्फा जितना बड़ा होगा वो आपका फंड उतना ही अच्छा है। तो उस हिसाब से कैनरा रोबेको और एक्सिस ब्लू चिप कैटेगरी वाइज देखता हूँ तो कैटेगरी कंपेयर में इनका अल्फा अच्छा है। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा 0.89 है आपका कैनरा रोबेको का, और एक्सिस ब्लू चिप का आपका 0.82 है, और इसकी कैटेगरी का जो बीटा है वो आपका 0.78 है। बीटा वैल्यू क्या बोलता है? बीटा वैल्यू बोलता है, बीटा वैल्यू गिव्स आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैविंग कंपेयर टू सिमिलर फंड्स इन द मार्केट्स।
लोअर बीटा इंप्लाइज क्या होगा, द फंड्स गिव मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस कंपेयर टू द सिमिलर फंड्स इन द मार्केट्स। सो बीटा वैल्यू भी आपका दोनों फंड का सही है। शार्प रेशियो में आइए, शार्प रेशियो 0.72 आपका कैनरा रोबिको का है और एक्सिस ब्लू चिप का 0.67 है, और कैटेगरी का जो आपका एवरेज है वो आपका 0.44 है। शार्प रेशियो इंडिकेट करता है हाउ मच रिस्क वाज टेकन टू जनरेट द रिटर्न्स। तो उस आपका कंपेयर करते हैं, शार्प रेशियो थोड़ा सा है बट शार्प रेशियो जितना बड़ा है एंड द मीन्स आप बोल सकते हैं कि हायर द वैल्यू मीन्स फंड हैज बीन एबल टू गिव बेटर रिटर्न्स फॉर द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकन। तो शार्प रेशियो उस हिसाब से इन दोनों फंड का सही है। एक्सटर्नल डेविएशंस, एक्सटर्नल डेविएशंस आपका कैनरा रोबिको का 19.44 है एंड एक्सिस ब्लू चिप का 18.44 है। कैटेगरी का आपका लार्जेस्ट कैटेगरी का एवरेज है आपका 17.52। एक्सटर्नल डेविएशंस क्या करता है, एक्सटर्नल डेविएशंस वैल्यू गिव्स एन आइडिया हाउ वोलेटाइल आपका फंड रिटर्न्स हैज बीन इन द फर्स्ट 3 years। लोअर वैल्यू इंडिकेट्स मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। सो अगर आप देखते हैं कैटेगरी के एवरेज में तो कैटेगरी के 19.44 एंड 18.44, सो मोर ओवर आपका ये आपका उसके एवरेज के नियर बाई है। सो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन भी सही है फंड्स का। चलिए हम इसको ग्राफ से समझते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड का ये आपका ग्राफ है और इसका जो बेंच निफ्टी 50 TRI के उसके रिस्पेक्ट में है। तो आप ब्लू देख रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप का है और आपका आपका जो अदर आपका ब्राउन कलर एलुइस ब्राउन में आपका ये आपका है निफ्टी 50 का है। तो फंड का अगर आपको देख रहे हैं परफॉर्मेंस, तो फंड आपका अगर हम लास्ट 1 year की मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्राफ में, तो फंड उसी आपका जो बेंचमार्क है उसके रिस्पेक्ट में ही आपका फंड चल रहा है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दोनों में नहीं आ रहा है। सेम इसी तरह आपका अगर हम बात करते हैं आपका कैनरा रोबिको का, तो इसका जो बेंचमार्क S&P BSE 100, तो ये भी आपका ब्लू है आपका ब्लू कलर में है ये आपका दिख रहा है कैनरा रोबिको का, और आपका जो LUIS है ब्राउन में ये आपका है S&P BSE 100 का। तो इसमें भी देखिए जो आपका लास्ट जून 20 से आपका फंड जो आपका जनरेट कर रहा है कहीं भी आपका डाउन नहीं गया है, एवरी हमेशा ही आपके आसपास ही रहा है। सो अगर दोनों के ग्राफ को भी देखते हैं तो फंड का परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ जो आपका बेंचमार्क है उन दोनों में सही आ रहा है। हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका कैनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इनका जो फंड है कहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मेजर जो आपका टॉप 5 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो का उसको देखते हैं। एक तो आपका इंफोसिस लिमिटेड में इन्होंने 7.73% किया हुआ है, HDFC बैंक लिमिटेड में इन्होंने 7.58 किया हुआ है, और ICICI बैंक में इन्होंने 7.13 है, और रिलायंस में इन्होंने 5.62 और TCS में 4.27। अगर हम बात करते हैं अगर एक इंफोसिस, HDFC, ICICI, रिलायंस, TCS, तो ये सारे लार्जर आपका ब्लू चिप कंपनियां है, सारे लार्जर लार्ज बेस है इनका, इनकी प्रोफिटेबिलिटी और इनके जो टर्नओवर्स है उसके रिस्पेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है इस आपका पोर्टफोलियो का वो बहुत सही है। सो अगर इनका ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली इस आपका जो परफॉर्मेंस है इसका आपका कैनरा रोबिको का इसका भी डेफिनेटली बूस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका एक्सिस ब्लू चिप, इनका जो टॉप 5 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो है वो देख लेते हैं। इन्फोसिस में है 9.36% का है, बजाज फिनांस में इन्होंने 8.98 दिया हुआ है, HDFC बैंक लिमिटेड में भी इन्होंने 8.97 किया हुआ है, TCS में भी किया हुआ है इन्होंने 7.32 एंड कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने 7.42। मीन्स इन्होंने भी इनका भी जो इन्वेस्टमेंट है जो टॉप 5 आप देखो 40% इन्वेस्टमेंट इन्होंने 5 स्टॉक्स में किया हुआ है। सो ये स्टॉक सारे आप देखोगे लार्जर बेस में है। अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप कंपनीज में क्या होना चाहिए, आपका नंबर 1 स्ट्रॉन्ग फाइनेंस एंड द सेकेंड 1 इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। इसी तरह रिस्क और रिटर्न इन आपका लार्ज कैप में क्या है, हाई रिस्क एंड द रिटर्न आप लो एंड मीडियम बोल सकते, नॉट वेरी हाई रिटर्न एंड इट्स आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स जो स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए लार्ज कैप फंड सही है। और ड्यूरेशन जो है इसका 3 to 5
फाइव ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। सारे इन्फॉर्मेशन आपको लार्ज कैप स्कीम्स के बारे में था, फर्दर आपका डिसीजन होगा इसमें आप इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा मैं आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप के बारे में भी वीडियो लाऊंगा, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरा सही लगता है तो प्लीज आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।